है चेक वाला बाजार कहते हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है, मशहूर चीज छिनी है बढ़िया बेहतरी। और मेहंदी मेहंदी मैं कर रहा था खाते हुए लेकिन स्वाद आ गया, लाहौर की याद आ गई। लाहौर के बता रहे हैं, मैं खुद लाहौर का हूँ, ये लाहौर की पूरी दुनिया देख रही है। ये जी यहाँ के मशहूर पिनिया। घर से निकलो तो घर के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो फिर सारे हमसे लड़ाई करेंगे। और मैंने देख लिया है ये बैग, घर वालों को लालच देंगे तो हमें घर से निकालने देंगे। आज 3 दिन हो गया भैरा घूमते हुए, तो यहाँ पे लालच देना भी घर वालों को जरूरी होता है। पाजी हम पहुंच गए हैं जनाब भैरा, ये भैरा का कलमा चौक है, जैसे हमारे लाहौर का कलमा चौक है ये भैरा का चौक आ गया है। अब बात सफर हम शुरू करेंगे भैरा का, आपको खूबसूरत इलाके दिखाते हैं। हमारी वीडियो देखते रहे, आपको बहुत सी भैरा की अच्छी अच्छी जगह जिसमें रेलवे स्टेशन है, पुराने मंदिर है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। ये जी चक वाला दरवाज़ा है, इसको कहते हैं चक वाला दरवाज़ा। चले इसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर चल के आपको यहाँ के मशहूर फनिया है, फनिया चेक करवाते हैं। ये जी यहाँ के मशहूर फिनिया, ये देखिए चलते आगे। ये सारा बाजार है जिस बाजार में घूम रहा हूँ, और अभी बारिश हो रही है जिसकी वजह से रश कम है। छोटी ये कितने की वजन? 650। अच्छा मुझे बताइए यहाँ की कोई मशहूर चीज बताइए, क्या आपके भैरा की मशहूर चीज? छिनी है बढ़िया बेहतरी। और मेहंदी? मेहंदी मेहंदी अच्छी वाली नहीं है। अच्छी वाली नहीं है यहाँ पे? हमने तो कहा यहाँ मेहंदी अच्छी होती सुना है। फिर आप बाहर जाएंगे ना, उधर टोकरी लेंगे, फिर इधर चले जाना, आगे खजी आएगी, खजी के साथ दुकान है, उसको बोलना केमिकल बगैर जो मेहंदी है, केमिकल के ठीक ठीक हो जाएगी। खाने पीने में क्या, हम खाना अगर खाए तो क्या खाए हम यहाँ पे? खाना खाना अपने जो हम याद रखे भैरा को, हमने वाकई कुछ खाना खाया। इज्जत का प्रोग्राम जो है ना नाइट को होता है, नाइट पे ज्यादा होता है, दिन का जो होता है ना, दिन का फिर मोटर पे चले जाएं, कैंटी होटल है उधर ही हमारे स्टे है, ठीक हो गया। चले जी आगे चलते है। जी जनाब हम बैग पहुंच चुके हैं बैग लेने के लिए भैरा बाजार में, और बाजार बहुत मशहूर है। बाजार के बारे में भजन से कुछ पूछेंगे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उसकी रीजन ये है कि जो रेट हमने बताया उन्हें रेट टू रेट हमें बैग दी है, क्योंकि जब घर से निकलो तो घर के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो फिर सारे हमसे लड़ाई करेंगे। और मैंने देख लिया है ये बैग अपनी फैमिली के लिए, ये देखे बेशुमार बैग लगे हुए हैं, हमने जो सिलेक्ट किया है वो ये वाला किया, देखने वाले हो ठीक है यार। ये आप लालच ही समझ ले घर वालों के लिए, कि घर वालों को लालच देंगे तो हमें घर से निकालने देंगे। आज ये 3 दिन हो गया भैरा घूमते हुए, तो यहाँ पे लालच देना भी घर वालों को जरूरी होता है। तो आप भी जब निकले घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ले जाए, ताकि वो आपको दोबारा फिर निकलने दें। तो अभी इनसे इस बारे में पूछते हैं कि यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें मेन अच्छी है। ये जी यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हमने और भी कुछ चीज़ें ली हुई है, बहुत अच्छा वो बर्ताव करते हैं। और लाहौर का बताया तो स्पेशली वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, भैरा के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने सुना था जिनकी हम गेस्ट हैं मेहमान, उन्होंने बताया था कि आप तारफ़ करवाएंगे तो बहुत से लोग अच्छे तरीके से आपसे पेश आएंगे। और बाकी हमें नज़र आ रहा है अभी हमने और भी कुछ लेना है, अभी और दुकानों पर चलेंगे और वहाँ के और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे क्या सिस्टम है। भाजन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ देखने वाली है भैरा में? दरिया भी देखने वाला है, उधर मंदिर है पुराना, और इसके अलावा और इधर है मस्जिद है पुरानी, मस्जिद है इस तरह बादशाह मस्जिद है ना, इसी तरह वो तो 3 चीजें हैं काफी ऐसी देख लो। जी भाजन अकराम भाई बता रहे हैं कि 2-3 चीजें है देखने वाली, अब बाजार से कुछ और लेंगे, नसीब बिरयानी भी खाएंगे, उसके बाद हम कुछ जगह पे और जाएंगे जो ये बता रहे हैं।
अब हम खाने जा रहे हैं कराची नतीब बिरयानी। हमारा सामान पैक हो रहा है, इतनी देर में हम हमने कहा लाहौर में तो बहुत हमने खाई है नसीब बिरयानी, और हम बहरा की नसीब बिरयानी खा के चेक करेंगे यहाँ की कैसी है। और ये सामने बाजार है बहुत बड़ा जैसे मैं आपको बताया, और अभी चलते हैं और खाना खाते हैं, बिरयानी देखते हैं किस तरह की है। ये रायता वगैरह डाल रहे हैं, ये डाला है। तो भाई जी लाहौर की याद आ गई, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त इनका बिरयानी। आप जब भी बहरा में आए, बहरा का बाजार जो मैंने आपको दिखाया है ये जैसे सामने है, इसके बिल्कुल सामने नसीब बिरयानी है, और लाहौर की याद ताज़ा कर दी। बहुत शुक्रिया भाई जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने बनाया हुआ था, मैं डर रहा था खाते हुए लेकिन स्वाद आ गया, लाहौर की याद आ गई। हाँ मैं खुद लाहौर का हूँ, ये लाहौर की पूरी दुनिया देख रही है। कहाँ पे? लालपुर में और सदर में। अच्छा सदर में, तो जी इनके लाहौर में भी दो ब्रांच है जी, एक सदर कह रहे एक लाल पुल के पास कह रहे। चले अभी आ गया, बहुत सी खूबसूरत मैंने जगह दिखानी है। अब हम दोबारा आ गए, जो हमारे सामान तैयार हो रहा था यहाँ पे हमारा, आप खाए खाना खाए कोई बात नहीं, हमारी जो टोकरी है वो तैयार हो चुकी है, इसको हम लाहौर लेके जाएंगे। इसके ऊपर देखिए उन्होंने अपना एक कार्ड भी लगा दिया, ये देखिए। अब जब भी आएंगे बहरा वाले बहरा वाला तो यहाँ से अपनी चीज़ें, बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे मुनासिब रेट पे और प्यार मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, बस यही चाहिए हम लाहौरियों को, प्यार मोहब्बत। और ये भजन को पैसे देंगे, भजन बहुत शुक्रिया आपका टाउन करने का, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा मैंने जितने पैसे उनको दिए उन्होंने उतने पैसे ले लिए, कोई बात नहीं की। तो ये चीज़ें होती है प्यार मोहब्बत जहाँ पे बांटा जा रहा है, खासकर बहरा में। मैंने बहुत सी जगह आपको और भी दिखाई है, आपको यहाँ पे भी मजा आएगा। चले अभी हम और चीजें लेने चलते आगे। यहाँ की मेहंदी पता करनी, मेहंदी जो बगैर केमिकल के, वो आपके पास भी है मेरे? नहीं है अंदर वापस? हाँ बिल्कुल है, ठीक है जी। हम पीछे वैसे छोड़ के आए दुकान, ये दोबारा कह रहे कि बाजार में जाएंगे, तीसरे मैंने देखी तो थी, चले उनके पास चलते वहां से मेहंदी लेते हैं, और घर ये टोकरी हम लेके जाएंगे ताकि वो लोग खुश हो जाए। मैं इस टाइम बहरा के बाजार जो कल मैंने घूमा था बिल्कुल वो बंद था और आज खुला हुआ है, मैं रश देख के हैरान हो गया, इतना रश यहाँ कैसे आ गया। दुकान पे मैं देख रहा हूँ कि इतने रश लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ये आइडिया नहीं है, जूती यहाँ पे फ्री मिली जा रही है क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा। यहाँ देखिए हिसाब से देखिए कितना रश है, ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा रश, हर दुकान पे मैं रश देख रहा हूँ। ये जी हमने ले लिए हैं समोसे और तकरीबन 400 के ये आए, और यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, और हम भी जनाब ये लेके जा रहे हैं खा के देखेंगे कि कैसा है। ये देखो जबरदस्त, नेक्स्ट वीडियो मेरे आने वाली है शेरशाही मस्जिद बहरा, इसका इंतज़ार करें।